सिद्धानं नमो आयिरीयाणं नमो सिद्धानं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण है तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ यहाँ हमने प्रारंभ किया और काफ़ी चर्चा कल तक हम यहाँ इसके संबंध में कर चुके हैं। बाहरी पदार्थों से विरक्ति होते हुए धीरे धीरे हम पहुँच गए हैं अपने आत्मा की तरफ, धीरे धीरे हम पहुँचे हैं स्वभाव की तरफ कि हमारा स्वभाव कैसा है, इस जीव को बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है। यह चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से हमने आपके बीच में की है और कहा यह जीव मोह से ममत्व से ही बंधता है और निर्ममत्व से ही छूटता है। इसलिए एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हे जीव तुम निर्ममत्व का ध्यान करो, निर्ममत्व का ध्यान करो। ये कैसी बात कह रही है, देखो समझ में नहीं आता। निर्मम हो ये तो समझ में आती है, ममता छोड़ो ये तो समझ में आती है, लेकिन शब्द कुछ इस तरह के थे निर्ममत्व को ध्याओ, निर्ममत्वम विचिन्तयेत। ये निर्ममता क्या चीज है जिसके ध्याने की बात कर रहे हैं, तो उस निर्मम स्वरूप को बतलाने के लिए आगे बहुत सुंदर श्लोक दिया जिसमें अपने आत्मा के उस स्वरूप को बतलाया है जिस स्वरूप में ममत्व नहीं है। 27 नंबर श्लोक से हम बात को आगे करते हैं, देखिए। एको हम निर्मम है शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर है, बाह्या संयोग जा भावा मत्त है सर्वे भी सर्वथा। कितना सुंदर कह रहे हैं, मैं कौन हूँ भैया, एको हम मैं एक हूँ। विचार करना गहराई से, मैं कौन हूँ, एक अहम, अहम माने मैं, एको एक हूँ, हो गया मैं एक हूँ। ये कैसी बात कह रहे हैं, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने को दो चार मानता होगा, सभी समझ में तो एक ही हूँ, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो एक कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं, मैं एक हूँ, ये दो मिलकर के एक नहीं हूँ, शरीर और आत्मा ये दो हैं, ये दोनों मिलकर के मैं एक नहीं हूँ। शरीर और आत्मा में से मैं आत्मा हूँ और शरीर भिन्न है। मरता कौन है, करेंगे आगे चर्चा, अभी आने वाली है, आगे वाले श्लोक में आएगी चर्चा, अभी इसी प्रवचन में हम चर्चा कर लेंगे। एक हूँ मैं और कैसा हूँ, निर्मम है, ममता से रहित हूँ, माने आत्मा में ममत्व नाम की चीज नहीं है कुछ भी। ये जो ममत्व दिखाई देता है यह वर्तमान पर्याय में है, यह अवस्था में है। यहां जो बात कह रहे हैं यह बात स्वभाव की दृष्टि से कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से ये बात कह रहे हैं, निश्चय नय से ये बात कह रहे हैं, ये पारमार्थिक दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, ये किसी एक विशिष्ट लेवल से बात कर रहे हैं।
कि आप उस पोजीशन को देखेंगे तो ममता नहीं है और शुद्धो शुद्ध हूं। आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध है, शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है। स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो शुद्ध है, लेकिन वर्तमान पर्याय और अवस्था की दृष्टि से देखें तो अशुद्ध है। अशुद्धता वर्तमान अवस्था में है और शुद्धता स्वभाव में है। देखिए, स्वभाव में यदि शुद्धता ना हो तो अवस्था में वो शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। जैसे हमने पहले छंद में चर्चा की थी आपसे, जो मंगलाचरण वाला छंद है उसमें हमने ये बात की थी, और उसके जो दूसरा छंद था उसमें भी चर्चा हुई थी। स्वयं स्वभाव से गोल्ड का एग्जाम्पल देकर के बात कही, जिस गोल्ड में अंदर में शुद्धता हो तो अग्नि में तपाए जाने पर वो शुद्धता प्रकट होती है। अंदर ही शुद्धता न हो तो शुद्धता प्रकट कैसे होगी? हमने वस्त्र का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी आपसे, कपड़ा गंदा हो गया, यदि वो गंदगी उस कपड़े के स्वभाव में चली गई तो आप कपड़े को कितना भी साफ करने का प्रयास करें वो साफ नहीं होगा। लेकिन यदि वो गंदगी, वो मैल, अशुद्धता ऊपर ऊपर है तो अंदर से तो कपड़ा शुद्ध है, मलिनता ऊपर है, ऊपर की मलिनता हट जाने पर अंदर की शुद्धता स्वयं प्रकट होती है। ऐसे ही हमारा जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, अंदर स्वभाव में शुद्धता है। स्वभाव में शुद्धता न हो तो कर्म का आवरण हट जाने पर भी आत्मा शुद्ध नहीं हो, लेकिन चूंकि कर्म का आवरण हट जाने पर आत्मा शुद्ध हो जाता है, इससे पता लगता है कि शुद्ध था तभी तो शुद्ध हुआ। देखिए, मलिन हो जाने पर भी वो ड्राई क्लीनर देख करके ये कहता है अरे वैसा हो जाएगा, उसकी दृष्टि शुद्धता पर है, स्वभाव पर। हम घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ये निशान लग गया। अब वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। आपको मालूम, पुराने समय में जो धोबी घाट हुआ करते थे, नदी किनारे धोबी लोग ले जाकर के कपड़े धोते थे शहरों में, और यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन पहले सुनते हैं अपन इस तरह की बातें, क्योंकि जब हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, नदी एन बिच चीर धुआए कोसन के जीव मराए। निखिल भाई बोलिए कभी लाइन, आलोचना पाठ है एक अपने यहाँ, बचपन से घरों में बोला जाता था, आजकल तो पाठ की परंपरा ही नहीं रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बच्चों को कभी कभी पाठ कराया कीजिए घर में, कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक ऐसा रखिए, आधे घंटे सब बैठ करके पाठ करेंगे, मेरी भावना, बारे भावना, आलोचना पाठ, आधे घंटे का समय, आठ दिन में एक दिन, एक वीक में एक दिन, आधा घंटा परिवार के सभी लोग बैठ करके ग्रह शांति के लिए। माने उससे क्या होगा, माहौल बनता है, परिचय में आती है, भक्तियां स्तुतियां परिचय में आती है। इन सब भक्तियों के ऊपर, सब स्तुतियों के ऊपर प्रवचन है मेरे, एक आध बार कभी सुनेंगे तो आपको सबका अर्थ ख्याल में आएगा। विनय पाठ पर है, शांति पाठ पर है, आलोचना पाठ पर है, पूजाओं के ऊपर अर्थ है, सब सब मिलेंगे आपको। लेकिन कभी कभी पाठ करते रहा करें हम, तो क्या पंक्ति कही मैंने, नदियन विच चीर धुआए कोसन के जीव मराए। चीर मतलब कपड़ा, चीर मतलब लंबा समय, छोटे ई की मात्रा लगी हो तो टाइम फ्रेम के लिए हो गया, और बड़े ई की मात्रा लगी हो चय में चीर तो फिर कपड़े के अर्थ में हो गया। चीर मतलब कपड़ा, चीर हरण प्रसिद्ध है, किसका, द्रौपदी का चीर हरण, चीर माने कपड़े वस्त्र, वो चीर हरण की बात थी। तो कपड़े जो हैं वो जब वहां धोबी घाट पर समझ लो आप, नदी किनारे जब धोता था वो, तो वहां धोकर साबुन से धो दिए और धोने के बाद उन कपड़ों को वहीं पटक देते हैं मिट्टी में सूखने के लिए। बड़ी बड़ी साड़ियां होती है, चादरें होती है, धोने के बाद वहीं पटक दिया। आप हम जैसे कोई व्यक्ति देख रहे हो जैसे यार अभी तो धोया है, साफ हो गया है, और धोने के बाद में इसको ये मिट्टी में ऐसे पटक दिया है, दोबारा गंदा हो जाएगा। वो कहता है बाबूजी गंदा नहीं होगा, एक बार सूख जाने दो, जब सूखेगा ना हम इसको ऐसे झाड़ेंगे
तो जितनी भी धूल है वो सब धूल रह जाती है, वो गंदा नहीं होगा। वो माने जो गंदगी है वो गंदगी चिकनाई की वजह से है, चिकनाई हमने धो दी है उसके ऊपर से, और चिकनाई के धो देने के बाद अब जितनी भी धूल लगती है वो धूल लगती नहीं है, वो चेंटती नहीं है, ऊपर ऊपर से चिपकी हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा झाड़ देने पर वो धूल चली जाएगी। इसी तरह से आत्मा के साथ में जब तक राग की चिकनाई होती है, जब तक कषायों की चिकनाई होती है, तब तक कर्म आकर के चिपकते हैं, और कषायों की चिकनाई जब आत्म ध्यान के बल से धुल जाती है तो उसके पश्चात ये कर्म वर्गणाएं चिपकती नहीं है। तो आत्मा अंदर से शुद्ध है और राग की चिकनाई के कारण किंचित अशुद्धता दिखाई देती है। यहां तो स्वाभाविक शुद्धता की बात कर रहे हैं, शुद्धता को लक्ष्य में रखेगा तो धोने का प्रयास करेगा। आपको यदि ये लगाए कि ये गंदगी ऊपर है तो आप प्रयास करते हैं, और आप ये समझते हैं स्वभाव में ही आ गया तो फिर कुछ नहीं करते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, बीमार सब पड़ते हैं, आपको क्या लगता है बीमार हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? कोई बात नहीं, अभी दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे, लगता है ना आपको ऐसा? और आप ऐसा सोच लें कि ये बीमारी तो परमानेंट हो गई तो फिर आप इलाज भी नहीं कराते। कभी कभी कुछ तकलीफ ऐसी हो जाती है जिसके बारे में हम लोगों से सुनते हैं, लोग ये कहते हैं ये तो मरेंगे तभी पीछा छूटेगा इससे, तो अभी ऐसी बीमारी लग गई है ये जीते जी तो छूटने वाली नहीं है। इसका मतलब उसने उस बीमारी को शरीर का स्वरूप मान लिया। जब हमें इस बात का पता है कि ये बीमारी शरीर के स्वभाव में नहीं है, डॉक्टर साहब एक दवाई देंगे और दवाई देने पर क्या होगा, वो दवाई बीमारी और शरीर इन दोनों के जॉइंट पर लगेगी, तो बीमारी चली जाएगी और शरीर ज्यों का त्यों रह जाएगा। कभी कभी ऐसी दवाई भी देते हैं कि डॉक्टर साहब आप किसी मरीज को, कोई मरीज बहुत तकलीफ में आए आपके सामने और आकर के कहे बहुत परेशान हूं डॉक्टर साहब इस बीमारी से, और आप ऐसी दवाई देने के लिए उसे कहें कि तुम चिंता मत करो अभी ऐसी दवाई दूंगा कि ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। बोलो आप इलाज कराएंगे सुरंजी भाई साहब उससे? नहीं कराएंगे आप मुकेश जी भाई साहब? ना मर्ज रहेगा। अरे मर्ज चला गया तो फिर मरीज नहीं रहेगा, फिर तो स्वस्थ रहेगा। आपने क्या समझ लिया, मर जाएगा? हाँ, शरीर मरने की बात नहीं है, शरीर छूटने की बात नहीं है, वो रोग चला जाएगा। हम भी यहाँ जिस आत्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी प्रेरणा यहाँ आचार्यों के माध्यम से दी जा रही है, ये आचार्य देव कह रहे हैं कि ये तेरे अशुद्धता तो ऊपर ऊपर है, ये अशुद्धता मिट जाएगी और तेरे अंदर का शुद्ध स्वरूप ज्यों का त्यों प्रकट हो जाएगा। शुद्धता कहीं बाहर से नहीं लानी है, शुद्धता अंदर में है, उस शुद्धता का स्वीकार कर। इसलिए गुरुदेव बार बार में कहते हैं हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर तू पहले इस बात का, अंदर से परमात्मा दशा है, ऊपर का आवरण है हटा और परमात्मा अपन ज्यों का त्यों प्रकट। एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर इस बात की, तू प्रतीति कर अंदर में कि तू है कौन, कि मैं शुद्ध हूं, सबवे शुद्धा हूं शुद्ध नया। द्रव्य संग्रह की वे गाथाएं, द्रव्य संग्रह एक छोटा सा ग्रंथ है 58 गाथाओं का, इस जैसा ही बहुत सुंदर ग्रंथ है। मग्गण गुण ठाणे चौदसी हवंतित अशुद्ध नया विन्ने या संसारी सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। सारे जगत के जीव शुद्ध हैं, कैसे? शुद्ध नए की दृष्टि से देखो तो शुद्ध दिखाई देंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण है स्वभाव से देखने वाला, अशुद्धता ऊपर ऊपर, शुद्धता परमानेंट, अशुद्धता टेम्परेरी और शुद्धता मेंटेन रहने वाली।
अनादि काल से ये जीव के स्वभाव में कभी अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, उस शुद्धता की ये चर्चा कर रहे हैं। मैं एक हूं, एको हम, निर्ममय है, ममता से रहित हूं, शुद्धो, शुद्ध कह रहे हैं मनीष जी, शुद्धो, शुद्ध हूं, ज्ञानी, ज्ञानी जीव, ज्ञानी भी हूं मैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं ज्ञानी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममता से रहित हूं, मैं एक हूं, योगींद्र गोचर है। भाई साहब ये बातें आपके समझ में नहीं आ रही होगी, ये बातें तो ज्ञानियों के समझ में आती है, योगियों के समझ में आती है। योगींद्र, योग में जो परायण है, योग में जो तल्लीन है, साधना में जो लगे हुए हैं, ऐसे साधकों के गोचर है, पकड़ में आने वाला है। कभी आत्मा पकड़ा आपने? कभी आत्मा पकड़ में आता है? आत्मा कैसे पकड़ में आएगा भाई? अरे भाई साहब हाथ से पकड़ने की बात नहीं चल रही है, ज्ञान से पकड़ में आता है क्या? आत्मा को देखा कभी क्या? आंखों से नहीं देख पाएंगे, वो ज्ञान से देखा जाता है। आत्मा को देखने की प्रक्रिया ज्ञान है, समझ है, विवेक है, उसके माध्यम से आत्मा पकड़ में आता है, अनुभव में आता है। कल हमने बात कही थी ना, फीलिंग में आ रहा है कि मैं हूं कुछ, मैं कौन हूं? बोलने वाला, ये मैं हूं, चलने वाला, ये मैं हूं, गोरा काला मोटा पतला दिखता है, ये मैं हूं, कौन हूं मैं? बहुत चर्चाएं इसमें की है, आगे बढ़ करके इस तरह की चर्चाएं, एक बार गहराई से विचार करो, क्या मैं बालक हूं, क्या मैं वृद्ध हूं, क्या मैं जवान हूं, क्या मैं बिजनेसमैन हूं, क्या मैं सर्विस वाला हूं, कौन हूं मैं? ये कह रहे हैं योगींद्र गोचर है, योगी जीव, त्यागी तपस्वी सन्यासी जीव उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव में उनको वो प्रत्यक्ष आता है, वो वेदन होता है आत्मा के अनंत गुणों का। और कहते हैं बाह्य संयोग जा भावा, बाहर में जितने भी संयोगी भाव दिखाई देते हैं, भावा माने पदार्थ, संयोग में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, घर बार महल मकान, धन दौलत वैभव, शरीर स्त्री पुत्र, सब कुछ, गाड़ी बाड़ी लाड़ी, जितने सब कुछ दिखाई देते हैं हमारे को, बाह्य बाह्य संयोग जा भावः, मत्तः मुझसे सर्वेपि सर्वथा भिन्न है। क्या ये जितने जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सर्वथा बाह्य संयोग जा भावः, बाह्य सर्वथा पूरी तरह से मुझसे भिन्न है, मेरे में नहीं है, शरीर की मेरे में एंट्री नहीं है, शरीर का मेरे में प्रवेश नहीं, ये शरीर अत्यंत भिन्न है मुझसे, इसलिए इस शरीर को अपना मानने से तकलीफ खड़ी होती है। जितनी तकलीफ है ये तकलीफ शरीर को अपना मानने से है, जिस व्यक्ति ने शरीर को अपना नहीं माना वहां फिर तकलीफ खड़ी नहीं होगी। बोलो, कई तरह की चर्चाएं मिलती हैं हमारे यहाँ। एक व्यक्ति, पेट में बहुत दर्द हुआ, किसी ने पूछा क्या बात है, तो बोले यार आज तो थोड़ा बादलों का जोर बहुत है, मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, इसलिए पेट गड़बड़ है। पेट क्यों गड़बड़ है? मौसम की वजह से। यार गजब बात कर रहे हो, निखिल भाई ने कहा यार मौसम तो पूरे यहाँ थे, पूरे सिडनी के ऊपर छाए हुए थे, आपके ही दर्द क्यों हुआ? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया तुम्हारे खाने पीने में कुछ चक्कर हुआ होगा। हाँ यार बात तो सही है, वो थोड़ी क्या है, उड़द की दाल बनी थी वो थोड़ी खाने में आ गई ज्यादा, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। तो फिर क्या कहेंगे? भाई साहब उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द होता तो हमारे सारे शिविर वालों ने खाई थी, तुम्हारे अकेले की क्यों हुआ? इतने लोगों ने खाई थी ना, तो फिर क्या जवाब देंगे? एक जवाब सामने आता है कि भैया मेरे ही पाप कर्म का उदय था, इसलिए मेरे ही दर्द हुआ। क्यों सर? फिर कोई व्यक्ति ये कहे, कोई समझदार ऐसे योगींद्र, ऐसे त्यागी तपस्वी मुनिराज ये कहे कि भैया क्या बात कर रहे हो, कर्म के उदय से कोई दुखी होता है क्या? कर्म का उदय इस जीव को दुखी करता है क्या? कर्म के उदय की ताकत है जो इस जीव को दुखी कर सके,
आप इस गलत फहमी में हैं। कर्म का उदय किसी जीव को दुखी नहीं करता है, तू शरीर के प्रति अपनापन करता है इसलिए दुखी होता है। बोलो चारों में से कौन सी बात सच्ची है? लास्ट वाली सच्ची है ना, बाकी तीन सच्ची नहीं थी? बाकी तीन भी सच्ची थी लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा से। जब ये कहा जाता है, मनीष भाई क्या आपकी तरफ से है लंच? अच्छा, आप व्यवस्था कर रहे थे? ऐसा सूचना मिली मेरे को कि आप कहीं बनाने तो नहीं चले गए। देखो क्या क्या कह रहे हैं हम यहाँ आपसे। अभी भोजन की चर्चा कर रहा हूं मैं, पेट में दर्द क्यों हुआ ये बताओ। किसी के पेट में दर्द होगा ना, आप पर ब्लेम करेगा। देखना आज क्या ब्रेकफास्ट कराया आपने। फिर ठीक है, ये 40 परिवारों के हिसाब से हाजमोला लेके आए। अच्छा चलिए, तो पेट में दर्द क्यों हुआ? देखो जो व्यक्ति इतनी दूर की बात करता है, बादलों के कारण पेट में दर्द हुआ, ऐसी शैली होती है भाई साहब हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रथमानुयोग की। रावण क्यों नरक में चला गया, ऐसी चर्चाएं करते हैं। इस वजह से हो गया, उसने ऐसा किया था इसके कारण उसके साथ में ऐसा हो गया। ये जो चर्चाएं मिलती है बहुत दूर के उपचार की बात, ये प्रथमानुयोग की शैली है। शैली क्या है? बुरे काम का बुरा नतीजा इतना सा बतलाना। लेकिन तुरंत तर्क दिया, अरे यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्या बात कर रहे हो आप, तो खान पीन की चर्चा करने वाला चरणानुयोग हो गया। भाई साहब आपके खान पीन की गड़बड़ी होगी, क्या खाया था आपने ये बताओ, संतरे ज्यादा तो नहीं खा लिए थे? तो खाने पीने की वजह से गड़बड़ी हुई, ये कौन कह रहा है? ये चरणानुयोग कह रहा है। लेकिन कर्णानुयोग ने उस बात को काट दिया। कर्णानुयोग ये कह रहा है खाने पीने से नहीं होता, पाप कर्म के उदय से होता है। तेरे पुण्य कर्म का उदय हो तो कितना भी कुछ भी खा पी कुछ नहीं होने वाला है, और जब पुण्य का उदय होगा, नहीं पुण्य का उदय होगा तो कुछ भी खा पी नहीं होगा, और पाप का उदय होगा तो थोड़ा सा खाते गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कर्म के उदय से होता है। तो तुरंत ये द्रव्यानुयोग की बात, जो शुद्ध आत्मा की बात हम यहां पढ़ रहे हैं, ये योगिंद्र क्या कहते हैं, सुन भैया तेरी तकलीफ कर्म से नहीं होती। देखो बड़े बड़े महामुनि राजों को, त्यागी तपस्वी लोग जब ध्यान और साधना में बैठे हुए होते हैं, शरीर के ऊपर कितने कष्ट आ जाते हैं उसके बावजूद भी उनको तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे शरीर को अपना नहीं मानते, इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं है। तो तकलीफ का असली कारण यदि मूल में कुछ है तो शरीर को अपना मानना है। इसलिए तू उससे भिन्न देख, ये शरीर आदि समस्त पदार्थ सर्व पदार्थ मुझसे भिन्न है। यह बात यहां इस श्लोक में कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के श्लोक की तरफ। तो साहब इन संयोग आदि पदार्थों को आप मुझसे भिन्न बता रहे हो कि हाँ हाँ भिन्न इसलिए बतला रहे हैं कि जितनी तकलीफ है वो सारे इन संयोगी पदार्थों की वजह से होती है, इनकी वजह से परेशान है तू, इसलिए इनको छोड़ने की भावना और प्रेरणा की बात यहां कही। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भीः। मनो वाक काय और कर्म भी, मन से वाक माने वचन, काय माने क्रिया, और कर्म से त्यजामि छोड़ दो इनको, मन वचन काय से छोड़ दो। क्यों? दुख संदोह भागित्वम, भाई साहब दुख का भागीदार बनना पड़ता है आपको। दुख संदोह माने होता है समूह, और भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात संयोग से इह माने इस लोक में देही नाम शरीरधारियों को, शास्त्रों में ऐसा कहा है यह शरीर तो दुख भोगने का माध्यम है, ऐसा लिखा है। किसी किसी व्यक्ति को तकलीफ देनी हो
तो कैसे तकलीफ मिलेगी उसे, जिसके शरीर ही नहीं हो अब उसको क्या तकलीफ होगी। भोजन नहीं मिलेगा आज, भूखे मर जाओगे, ध्यान रखना, पर शरीर ही नहीं है तो काहे की भूख। माने जितनी तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास सर दर्द पेट दर्द बीमारियां, जितनी तकलीफ दिखाई देती है, ये सारी की सारी तकलीफ शरीर के पीछे है। ये शरीर यदि ना हो तो तकलीफ ना हो। माने ये संयोगों को दुख भोगने का माध्यम कहा जा रहा है, ये शरीर आपके दुखों को भोगने का माध्यम है। इसलिए मन वचन काय से प्रयत्न पूर्वक बुद्धि पूर्वक इस शरीर को त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं, संयोगों को त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। किस वजह से दुखी हैं आप, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा विस्तार में जाता जाऊं ना इस बात के। इन्होंने यहां लिखा है संयोगादिह, संयोगादि पदार्थ, संयोगों से दुखी है। अब लगाओ आप कितने कितने परेशान हैं। कई बार निकलता है आपकी, मैं तो इनसे बहुत परेशान हूं। किनसे परेशान है? मैं तो दुखी हो गया इनसे, बच्चों से दुखी हो जाते हैं कभी आप। कितने दुख हैं इस संसार में इन संयोगों की वजह से, लेकिन मोह के कारण ये कष्ट मानता नहीं है। देखो जिनके बच्चे ना हो उनको एक तकलीफ, और जिनके हो उनके तकलीफ ही तकलीफ। पुत्र जन्म होते ही तो पत्नी के रूप सौंदर्य को खा जाता है, क्या पराई हो जाती है, वो ध्यान नहीं देगी फिर आपकी तरफ। अब तो यही हो गया क्या, अब हम तो कुछ है ही नहीं, बात बात में वही वही, और फिर दोनों मिलकर के उसको संभालते रहो। बोलो अब क्या करना है आपको, अब उसको ले ले करके भाई साहब नौकर बन करके काम करो उसके लिए, बच्चों के लिए दिन रात लगे रहो आप बच्चों बच्चों के पीछे। जन्म से लेकर अभी उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहा है, खाना सिखा रहा है, उसकी सूसू पोटी साफ कर रहा है, उसने वोमिटिंग कर दी है उसको साफ कर रहा है, डॉक्टर्स के ले लेकर के भाग रहा है, एक एक अक्षर उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा है, स्कूल में भाग रहा है, पेरेंट्स मीटिंग में भाग रहा है, कितने कितने झंझटें हैं रोजाना, कभी गिर गया, कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, कितनी तकलीफें हैं आपको कल्पना नहीं है उस तकलीफ की, क्योंकि मोह इतना हावी रहता है कि हम उस तकलीफ को तकलीफ गिनते नहीं है। लेकिन संकट कम नहीं है आपको, यदि अभी किसी दूसरे व्यक्ति की सूसू पोटी साफ करने के लिए कह रहे हैं मैं थोड़ी ना करूंगा क्या, और देखो आप 6 महीने के बच्चे की करता रहता है, साफ करता रहता है, और फिर स्कूल में पढ़ने चले जाता है, तो फिर झंझटें कम थोड़ी ना होती है, फिर भी झंझटें एक के बाद एक बनी रहती है, आपत्तियां बनी रहती है। अब उसकी पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम क्या आते हैं, माँ बाप के एग्जाम होते हैं। बोलो नहीं गलत कह रहा हूं, उसको तो चिंता ही नहीं है, सारी पढ़ाई तो हमें करनी है, इसको क्या पढ़ाना है क्या समझाना है, ले ले करके बैठे रहो उसको। माने ऐसे लगता है कि अब असली पढ़ाई हमारी तो अब हो रही है, बचपन में तो पढ़े नहीं थे क्या? फिर उसके बाद में अब एग्जाम हो गए उसके, अब रिजल्ट आया तो रिजल्ट की उसको चिंता नहीं है, हमें चिंता है उसके रिजल्ट को ले लेकर के। स्कूल में कुछ करे आए, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चे तो परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनसे जलने वाले लोग बहुत होते हैं आस पड़ोस में समाज में। कहो उसकी इंटेलिजेंसी उसकी तकलीफ का कारण बन जाए, उसके संकट में आने का कारण बन जाए, उसकी मौत का कारण बन जाए, लोग मार देवे, फिर रोड पर नहीं चला जाए, सीढ़ियों में नहीं चढ़ जाए, फिसल नहीं जाए, गिर नहीं जाए, ये कितने कितने संभाल होती है उन बच्चों के प्रति। फिर बड़े हो गए बच्चे, कॉलेज में आ गए, अब वो आपको जवाब देते आप कुछ नहीं समझते हो। हम कुछ नहीं समझते, तेरे को ABCD हमने सिखाई, पढ़ना तेरे को हमने सिखाया, बोलना चलना हमने तेरे को सिखाया, और तू ऐसा हो गया। ये कहता है आप कुछ नहीं समझते हो, आप 2 वाक्य उसको समझाने का प्रयास करो तो वो उल्टा आपको समझा दे दे। फिर आप कहते हैं यही दिन देखने बाकी रह गए थे।
बोलो आप, फिर क्या होगा? ज्यादा आपने अच्छा पढ़ा लिखा दिया तो फिर क्या होगा? परदेश चला जाएगा पढ़ने के लिए। बोलो, कभी किसी लड़की के साथ में भाग जाएगा, कभी लड़की है तो किसी लड़के के साथ में भाग जाएगी, फिर आप उसे समझाते रहो, फिर वो नहीं समझ में आएगा। आप लोगों ने भी किया होगा ऐसा। आप कहाँ सुनते हैं, मतलब मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हम लोग दोष देते हैं बच्चों को, अरे पंडित जी क्या बताएं, आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों, हमने सुनी थी हमारे माँ बाप की? हम कितना ये नहीं सुनते हैं, ये नहीं सुनते हैं। अरे भाई साहब, आजकल के बच्चों को तो भगवान, हम तो ऐसे नहीं थे। नहीं भैया, तुम भी ऐसे ही थे। माने जमाने को दोष मत दो, आज के जमाने में ऐसा हो गया, ये बात मत कहो। सुनो, ऋषभ देव के पोते ने, आदिनाथ स्वामी के पोते ने उनकी नहीं सुनी थी, मारी जी ने। भरत जी के कितने बेटे थे? 60,000 बच्चों की चर्चा आती है, भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी उनकी। इतनों में से वो मारी जी नहीं संभल पाया। लोग क्या चर्चा करते होंगे, अरे यार ध्यान नहीं दे पाए भरत जी, हाथ से निकल गया छोरा। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों, क्या ध्यान दो, क्या समझाओ, संभालते संभालते भी नहीं संभलेंगे। ये सारे संयोग, कभी कभी ऐसा लगता है ये परिवार में जितने लोग आपको मिले हैं, ये सब और ये शरीर, ये आपको कष्ट देने के लिए हैं। ये ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, संकट और कष्ट को भोगता रहता है। और ये बच्चे लोग ये सब बड़े हो गए तो छोड़ करके चले गए हम, फिर हम सोचते रहे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, कुछ नहीं। अब वो वहां चले गए, अब ये इसको राग को ले लेकर के बैठा रहता है, बच्चे आएगा मिलने के लिए, बच्चा आएगा ऑस्ट्रेलिया से आएगा, हमारे साथ आएगा, रहेगा कुछ दिन के लिए, छुट्टियों में आ रहा है। आस पड़ोस वालों को कहते रहते हैं, माँ बाप ये है ना, हम हमारा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। तो बेटा आएगा तो उसको फुर्सत ही नहीं है अपने यार दोस्तों से आने के बाद में। बोलो, यहाँ से जाने के बाद में कितनी फुर्सत है हमारे पास में कि माँ बाप के साथ में घंटा दो घंटा बैठ करके चर्चा करें। बोलो, और वो किस इंतजार में बैठे रहते हैं? चिंता मत करो, आपके बच्चे भी यही करने वाले हैं आपके साथ। ये संयोगों की स्थिति है, ये शरीर की स्थिति है। ये बाहर जितने परिवार में संयोग में हमारे को पदार्थ मिले हैं, वे सारे के सारे पदार्थ ये कह रहे दुख भागित्वम, दुख के भागीदार हैं, दुख में सहयोगी बनते हुए दिखाई देते हैं। पत्नी के कुछ हो गया, हस्बैंड के कुछ हो गया, बहुत तकलीफ हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, ले लेकर के भागते रहो, संभालते रहो, यही करते रहो आप। मेरे साले हैं, छोटे साले, उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टरी तो उसने छोड़ दी, और आने के बाद में दो बच्चे हो गए फटाफट जल्दी से ही, 2 साल में 2 हो गए। तो वो कहती हैं, और परिवार वाले लोग कहते हैं, डॉक्टरी तो छूट गई और नर्स बन करके रह गई, इस यूनिट को संभालते रहो, यही करते रहो बस। तो नहीं है ऐसी स्थिति एक दूसरे को संभालने में, औरों के लिए ही, शरीर के लिए ही दिन रात इसके अंदर लगा हुआ है। ये सब कष्ट भोगने के माध्यम कहे गए हैं। इसलिए समझदार लोग, साधना करने वाले लोग क्या कहते हैं, त्यजामि, सेकेंड लाइन में कह रहे हैं, त्यजामि एन माने इन सर्वम, सर्व तत् इस कारण, ततः माने इस कारण, एन सर्व इन सबको त्यजामि, त्यागता हूं, सबको छोड़ता हूं। दीक्षा लेने वालों की बात है, आप छोड़ मत देना सुनकर के कहीं, नहीं तो मुझे गालियां देंगे। एक पंडित जी को बुला लिया था जयपुर से और सब चौपट कर गए यहाँ आकर के कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ तो ममत्व छोड़ने की बात है। जितना जितना राग कम होगा, जितना जितना ममत्व कम होगा, उतनी उतनी तकलीफ भी कम होगी। वास्तव में हम अपने राग की वजह से दुखी हैं, बच्चों से दुखी नहीं। ये जितनी चर्चा कही ना अभी हमने यहाँ, बच्चों से परेशान है, पत्नी से परेशान है, हस्बैंड से परेशान है, परिवार से परेशान है, इन परिस्थितियों से परेशान है, ऐसा नहीं है। इन परिस्थितियों से, बच्चों से, पत्नी परिवार से परेशान नहीं है, तू अपने राग से परेशान है।
बच्चे तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आएगा। ये जो राग बैठा हुआ है ना तेरे मन में, हमारे पास बैठेगा, हमारी खबर लेगा, हमारे साथ में चर्चा करेगा, हमारे को संभालेगा, सहारा बनेगा। ये जो राग है हमारे मन में, ये राग दुख का कारण है। संयोग दुख के कारण नहीं होते, परिस्थितियां दुख का कारण नहीं होती। ये जीव परिस्थितियों की वजह से दुखी नहीं होता, मनस्थिति की वजह से दुखी होता है। परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, मनस्थिति दुख का कारण है। इसलिए ये जैन दर्शन परिस्थिति बदलने की बात नहीं करता, मनस्थिति बदलने की बात करता है। संयोग तो जैसे आपके कर्म की वजह से मिले हैं वैसे मिले हैं, इनको बदलने की बात मत करो। इनके रहते हुए अपने मन, अपने चिंतन, अपनी सोच और अपने विचार को बदलने की बात करो। इसलिए जगत के किसी भी पदार्थ के ऊपर, किसी भी संयोग के ऊपर, किसी भी घटना और परिस्थिति के ऊपर, परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर ब्लेमिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं इनकी वजह से परेशान हूं। इनकी वजह से नहीं, आप अपने परिणामों से दुखी हैं, आप अपनी सोच से दुखी हैं। किसी के ऊपर कोई ब्लेमिंग नहीं, अपनी सोच बदलो। ये कैसे बदले साहब सोच? कहना बहुत आसान है पंडित जी, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। तो हाँ, हमारी हम ही जानते हैं हम कैसे भुगत रहे हैं, हमें कितनी तकलीफ है। तो फिर आचार्य देव कहते हैं, भैया सुनो, चिंतन बदलो थोड़ा सा। ये क्या चिंतन बदले हैं? एक बहुत सुंदर चर्चा 29 नंबर के श्लोक में आगे कही गई। देखो 29 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। पौद्गलिक परिणति ऐसा चिंतन करो, न मे मृत्यु कुतोर्भीतिर्न, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न, न मे व्याधिर् कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहम्, न युवेतानि पुद्गले। इतनी सुंदर बात कही, ये चिंतन है ही, ये सोच बदल दी है। आप अपनी सोच बदलिए, फिर देखिए आप आनंद कैसे नहीं आएगा, मजे आएंगे आपको। सोच ही बदल गई आपकी, आप सोच सोच करके दुखी हो रहे थे, यार मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा मेंटेन करना है। जैसे ही पता लगा जिसका वजन बढ़ रहा है वो मैं ही नहीं हूं, अब बोलो आप क्या तकलीफ होगी? ये तकलीफ किस वजह से है? उस बात को एक बार गहराई से देखकर यदि हम अपने चिंतन को बदलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे दुख मिटे बिना न रहेंगे। तो चिंतन क्या होना चाहिए? न मे मृत्यु, मे मतलब मेरी, ना माने नहीं, मृत्यु, मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे मौत नहीं आती। बोलो ये मौत मौत से परेशान है। दुनिया में सबसे बड़ा भय, हमारे यहाँ शास्त्रों में सप्त भयों की बात कही है, सात प्रकार के भय कहे हैं शास्त्रों में। उन सात प्रकार के भय, भय मतलब डर, उन सात प्रकार के भयों में मौत का भय सबसे बड़ा कहा है। मौत का डर इतना होता है इस व्यक्ति को, मरने की कल्पना मात्र से घबराता है। को पता लग जाए ना, डॉक्टर साहब ये कह दे कि ये मरने वाले हैं, तो पहले ही मर जाए। मौत की चर्चा से, मौत की बात नहीं करना चाहता है। अभी यदि मैं ये कह दूं, बोलो आप, अभी यदि मेरी मृत्यु हो जाए नेक्स्ट सेशन होने के पहले पहले, बड़ी शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो। क्यों? मौत की चर्चा अशुभ चर्चा है, ऐसे अशुभ कहते हैं। मरना नहीं चाहता है ये व्यक्ति। दुर्घटना कैसे कैसे सारे जगत में आप लोग देखिए, अपने अपने बारे में विचार कीजिए, मौत किसको पसंद है? नहीं भाई साहब, मैं मर नहीं जाऊं। और हो सकता है अभी आज सामने बैठे हुए आप यह बात कहें, हमें डर नहीं लगता मौत से, क्या फर्क पड़ता है, आएगी तो आ जाएगी। लेकिन भाई साहब अभी कह रहे हो, जब आपको पता है कि अभी तो जीना है बरसों, जब मौत सामने आती है तब घबराता है ये व्यक्ति। हमने बहुत लोगों को अस्पताल में अंत समय में ऐसे तड़पते हुए देखा है कि मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब हाथ पकड़ लेते हैं मरीज, बचा लो मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता।
बचा लो आप मेरे को। ये मौत ऐसी चीज है, आप यदि रोड क्रॉस कर रहे हो, आपके यहां तो इंसानों की कीमत है, इंडिया में तो नहीं है, रोड क्रॉस करते समय और बहुत तेज स्पीड से कोई गाड़ी आई और हमारे बगल में आकर एक इंच की दूरी पर आकर इतना तेज ब्रेक लगाया, उसने रोक लिया, 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती, वो गई समय दूसरा है। अब खरी खोटी सुना देता सामने वाले को, ऐसे गाड़ी चलाते हैं, देख करके नहीं चलते हो। सामने वाला कहे, भाई साहब देख के चला तब तो बचा लिया, देख के नहीं चलता तो उड़ा ही देता। एक डर लग रहा है हमारे को, मर जाता तो कि मरे तो नहीं, मर जाता तो, इस कल्पना मात्र से कितने दुखी हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, मेरी मृत्यु नहीं होती, इस दुनिया में मरना नहीं चाहता ये जीव, कोई मरना नहीं चाहता है। नारकी जीव मरना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य मरना नहीं चाहता, तिरियंच मरना नहीं चाहते, और देवगति के जीव भी मरना नहीं चाहते। मुझे मालूम है जब मैं ये कह रहा हूं कि जगत में कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मरना नहीं चाहते, फिर दुनिया में इतनी आत्महत्याएं कैसे हो रही है, बिना चाहे हो रही है क्या, मर तो रहे हैं ना लोग आत्महत्या करके, आप कह रहे हो कि मरना नहीं चाहता है, ये बात कैसे चलेगी। भाई साहब सच में मरना नहीं चाहता। एक आदमी कुएं पर हम पानी भर रहे थे और दौड़ता हुआ आया और कुएं में कूद करके आत्महत्या करना चाहता था, दौड़ता हुआ आया, कूद रहा था, हमने उसका हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है, कहीं मर जाने दो, मेरे को जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने कहा सुन तो सही, बता तो सही हुआ क्या, 2 मिनट रुक तो सही। तो वो रुका और उसने हमारे को पूरी आत्मकथा सुनाई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा कह दिया, ऐसी ऐसी घटना घट गई, ऐसा हो गया। तो हमने उसका हाथ छोड़ करके कहा, यार वास्तव में संकट तो बहुत है, तू मर जा। तो तू कूद जा। क्या हुआ ए? अब क्यों नहीं मर रहा है तू? वो जो एकदम भावुकता में जो काम हो जाता है ना, उसमें आत्महत्याएं हो जाती है, एकदम कषाएं इतनी हावी हुई मरने के लिए, मर जाता हूं मैं। लेकिन भाई तू एक बार शांति से गहराई से विचार कर, 2 मिनट के लिए भी यदि आपने उस व्यक्ति को रोक लिया, अब उस व्यक्ति के आगे पीछे किसी भी चौकीदार को लगाने की जरूरत नहीं है, पहरेदार लगाने की जरूरत नहीं है, ये मर जाएगा तो नहीं मरेगा, कोई नहीं मरना चाहता है, मौत से सब डरते हैं। वो तो कषायों की पीड़ा सही नहीं जा रही थी, एकदम इतना डिप्रेशन में आ गया था कि उसने वो स्टेप उठा लिया, उसको रोक लो तो मरना तो वो भी नहीं चाहता है, मरने से डरता है। ये जो मरने का डर है, ये डर कैसे निकले ये बताओ। तो कहते हैं ना मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु होती नहीं है, मैं वो तत्व हूं, उसका विचार करो, मृत्यु मेरे को वरण कर नहीं सकती है। जिसकी मृत्यु होती है वो मैं, अच्छा मृत्यु किसकी होती है भाई साहब, शरीर की होती है कि आत्मा की होती है? शरीर की होती है, शरीर की होती है, बोलो निखिल भाई, शरीर की होती होगी, आत्मा की तो होती नहीं है भाई साहब। शरीर भी नहीं मरता और आत्मा भी नहीं मरता, तो कौन मरता है? शरीर और आत्मा के अलग अलग हो जाने को मरण कहते हैं। क्या हुआ है मरण में, हुआ क्या है क्या बतलाओ? कभी कभी लोग परिवार वालों के मर जाने पर जब रोते हैं तो मैं कहता हूं, भाई साहब आप रोते क्यों हो, फिर ही नहीं मर गए, तो मर गए तो कौन मरा था, किसके लिए रोते हो तुम, ये मर गए ना कि कौन मरा है ये तो बतलाओ। तुम जिसके लिए रो रहे हो, शरीर के लिए रो रहे हो कि आत्मा के लिए, तुम किस में अपनापन था तुम्हारा ये बताओ। कि नहीं सब आत्मा चली गई, तो आत्मा चली गई तो रोती क्यों, वो तो अमर है, वो तो मरती नहीं, रोने का क्या काम है। कि नहीं नहीं आत्मा तो अमर है, लेकिन ये तो मर गए, कि ये कहां मरे, ये तो यही पड़े हुए हैं। तुम यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर यही है, और तुम यदि आत्मा के लिए रो रहे हो तो सुनो, यदि वो आत्मा लौट करके आ जाएगी तो डरोगे। किस लिए रोता है,
किससे अपनापन करता है, ये मृत्यु तुझे आती नहीं है। कुतो भीती है, कुतो भीती, डर का क्या काम है? जिससे तू डर रहा था ये डर नहीं होना चाहिए। न मे मृत्यु कुतो भीती है, कुतो भीती, कुतो माने कहा, भीती माने भय, डर, डर का क्या काम है? जब मेरी मृत्यु होती ही नहीं है तो डर का कोई काम नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव दुखी नहीं होते। भाई साहब देखो, आप नगर में आए तो उन्हें तकलीफ दिखाई देवे गृहस्थों के बीच में, और जंगल में क्रूर पशुओं के बीच में रहें तो उन्हें तकलीफ नहीं लगती, क्योंकि वे शरीर खाते हैं। वे इस बात का विचार करते हैं कि ये जंगली जानवर जिसे खाएगा वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक मैं हूँ वहाँ शेर की डाढ़ और पंजे पहुँच नहीं सकते मेरे तक, ऐसा विचार करता है। देखो फिर और इसी तरह का चिंतन, अरे साहब मरना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मरने को तो फिर तैयार हैं हम, लेकिन अधमरे नहीं हो जाए। कई लोगों से ऐसा सुना है हमने कि बस हम तो एक बात चाहते हैं, मरे ना तो एक ही बार में पूरे मर जाए, ऐसा ऐसा न हो कि हाथ पांव टूट करके बिस्तर में पड़े रहे, वो बर्दाश्त नहीं है हमारे को। क्यों सुरेंद्र जी साहब ऐसा लगता है? जब तक चल रहे हैं ना हाथ पांव तब तक चलते रहे, जब हाथ पांव चलना बंद हो जाए तब नहीं। तो कह रहे हैं ये जो व्याधि है, ये जो बीमारी है, ये किसको है? न मे व्याधि, मेरे को बीमारी होती नहीं, ये बीमारी शरीर की है। कुतो व्यथा, व्यथा किस बात की है, पीड़ा किस बात की है, आपको तकलीफ किस बात की है? जितनी तकलीफ आपको दिखाई दे रही है वो इस वजह से दिखाई देती है, मुझे बुखार हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे तकलीफ हो गई। अरे ये देह की बीमारी तुम्हारी बीमारी नहीं है, तुम्हारी बीमारी कुछ और है, ये संकट नहीं है तुम्हारा कुछ भी कि शरीर में कुछ आ गया। अरे नहीं नहीं साहब, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है बहुत बड़ा संकट आ गया है, क्या करूं मैं, अब क्या करें, अब तो भक्तावर का पाठ करो तो उससे संकट मिट जाएगा ना, भक्तावर का पाठ करने से? नहीं नहीं मिटेगा पंकज जी, ये मना कर रहे हैं भाई साहब, आपके प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है, नहीं मिटेगा, ध्यान रखना, बदल देते हैं क्या? इनको बदल देने से सिद्धांत नहीं बदल जाएगा, क्या क्या करें? लोग बदल बदल करके ये सोचते हैं, अरे वास्तु वास्तु के नाम पर इतना चल रहा है, मकान बदल दो इससे सुखी हो जाएंगे। लोग तो सुखी होने पर फॉरेन में बीवियां बदल रहे हैं, ये बदल लो, ये बदल लो। भाई साहब बदलने से कुछ नहीं होगा, पाप कर्म का उदय है, ये पाप कर्म का उदय नहीं बदल जाएगा। ये संयोग बदलना चाहता है, ये कहता है मैं इसको बदल लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसको बदल लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये भाई साहब तेरे पाप कर्म का उदय तो कहीं भी चले जा, सुखी होने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुख का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, सुख का रास्ता अंदर में है। ये बाहर में सुख का रास्ता तलाशता है, सुखी होने के नाम पर न मालूम क्या क्या करता है, मंत्रों के जाप करता है, अनुष्ठान करता है, बीमारियां मिट जाए, तकलीफ मिट जाए, और ये बीमारियां तेरी है ही नहीं। देखो क्या संकट है भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? जब वो बोलते हैं ना अपने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, बहुत लोगों को जब हम देखते हैं ऐसे तो ऐसे संकट में बोलते हैं भाई साहब, कौन सा? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट। आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? बहुत संकट में और ऐसे ऐसे भाव, मेटो मेटो जी भगवान संकट। राजकुमार जी होता है ऐसा, भगवान हे भगवान बस आप ही संकट मिटा सकते हो। क्यों पार्श्वनाथ भगवान की जगह महावीर भगवान आ जाएंगे तो नहीं चलेंगे? कौन से भगवान मिटाएंगे बताओ? आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान नहीं मिटा सकते हैं आपका संकट? इन्हें नहीं, पार्श्वनाथ से चलता है हमारा तो काम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निखिल भाई ऐसी कल्पना करो, कभी भगवान के सामने कह रहे थे मेटो मेटो जी संकट हमारा, और ऊपर से पार्श्वनाथ भगवान उतर करके आ गए, बोल बेटा तुझे क्या संकट है?
ऐसे भगवान अपने आते नहीं है कभी। हमारे यहाँ जैन परंपरा में एक बार जो भगवान बन जाते हैं वे भगवान लौट करके कभी नहीं आते हैं, यह तो सच्चाई है। भगवान किसी का भला भी नहीं करते, भगवान किसी का बुरा भी नहीं करते, भगवान किसी के संकटों को दूर भी नहीं करते, है ना। कभी अवसर बनेगा तो परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत बार करता हूं मैं, लेकिन तो भी कल्पना कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। क्या कल्पना कर रहे हैं भैया अनुराग जी? भगवान आ गए पार्श्वनाथ भगवान, और आकर के उन्होंने पूछा, बोलो प्रवीण भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या संकट है? क्या संकट बतलाएंगे? बोलो प्रतीक भाई क्या संकट है? यार एक आध हो तो बताओ मैं क्या संकट बतलाऊ इनको। फिर आपने बताया एकाध नहीं, तुम चिंता मत करो, स्वयं पार्श्वनाथ भगवान उतर करके आए हैं ऊपर से, तुम्हारे जितने संकट हैं सब दूर हो जाएंगे। तुम बताओ संकट क्या है तुम्हारा? कि बच्चे कहना नहीं मानते, बिजनेस की झंझट, ये वो परेशानियां। तो कहा यार अभी तो तुम कह रहे थे जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या 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 बात कह क्या रहे हो तुम, बताओ तो सही। जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। अब संकट क्या बची है? अब कह रहा है मेटो संकट हमारा, जग के दुख की तो तेरे को परवाह नहीं है, स्वर्ग जैसे सुखों की भी तुझे चाह नहीं है, फिर कह रहा है भगवान संकट मिटा लो। किताब लिखा तो है मेटो मेटो जी संकट हमारा, कि भाई साहब असली संकट की खबर नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन। भाई साहब जन्म मरण का संकट है, ये संकट संकट नहीं दिखाई देता है, ये छोटी मोटी परेशानियां हमें परेशानियां दिखाई देती है, असली परेशानी जो है वो हमें दिखती नहीं है। ये राग द्वेष और कषायों की परेशानी हमारे को दिखाई नहीं देती, ये मोह का संकट, ये मिथ्यात्व का संकट हमारे को संकट नहीं दिखाई देता है। ये जन्म मरण करता रहेगा, चार गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, ये संकट इसे संकट नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये कह रहा है मैं बीमार हो गया। अरे मूर्ख तू बीमार होता नहीं है, इसका विचार कर। जिन संकटों की बात कर रहा है ये संकट तेरे ऊपर आते नहीं है, तू ऐसा चिंतन कर, चिंतन बदल, सोच बदल अपनी। तो यदि अपनी इस सोच को बदलेगा तो तुझे ये संकट दिखाई नहीं देगा। दो बातें कही यहां, न मैं मृत्यु, मृत्यु नहीं है, कुतो भीती, डर का क्या काम है, और न मैं मतलब मुझे, व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, मेरे बीमारियां नहीं होती, कुतो व्यथा, अब तकलीफ का क्या था, अब पीड़ा ही नहीं है, अब पीड़ा किस बात की होगी, जब मेरे घुटने ही नहीं है तो घुटनों का दर्द क्या होगा। घुटने आपके ही नहीं है तो घुटनों का दर्द आपका कैसे हो सकता है, कमर हमारी नहीं है तो कमर का दर्द हमारा कैसे हो सकता है। तो बीमारियां तो शरीर की है, होने दो, मेरे में बीमारियां होती ही नहीं है। कि फिर क्या कहता है, कोई कहता है बच्चे होते हैं तो उन्हें तकलीफ दिखाई देती है, बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है हम कब बड़े हो जाएं, वृद्ध होता है तो ऐसे लगता है कि युवावस्था अच्छी थी, युवा अवस्था होती है तो कहता है यार ये मेहनत मजदूरी कब तक करनी पड़ेगी, कब तक भागम भाग लगी रहेगी। तो ये कह रहे हैं ना हम बालो, मैं बालक भी नहीं हूं, ना वृद्धो हम, अहम माने मैं, ना नहीं हूं वृद्धो, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, नए युवेति, नए युवा, युवा भी नहीं हूं, एतानि पुद्गले, ये सब तो पुद्गल हैं। बोलो आप कौन हो, मैं कौन हूं, एक बहुत सुंदर निबंध है डॉक्टर भारेल जी का, उस पर भी प्रवचन हुए मेरे, वितराग विज्ञान पाठमाला के प्रवचनों में कहीं मिलेगा, मैं कौन हूं, एक दो घंटे की चर्चा है, मैं हूं कौन, साहब क्या बात कर रहे हो, मैं बालक हूं ना मैं, कि अच्छा यदि तुम बालक हो, गहराई से विचार करना, यदि मैं बालक हूं तो ये बालकपन तो मिट जाएगा, युवा अवस्था आएगी
तब भी मैं तो रहूंगा, और बालकपन तो नहीं रहेगा। इसका मतलब यदि मैं बालक होता तो बालकपन मिट जाने के साथ साथ मैं भी मिट जाता। इसका मतलब मैं बालक नहीं हूं, इसका मैं युवा हूं ना। यदि युवा मैं हूं तो युवापन तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तो रहूंगा। इसका मतलब ये युवा अवस्था भी मैं नहीं हूं। तो साहब मैं वृद्ध हूं, कि वृद्ध तो अभी हुआ है, तू तो पहले से था, 30 साल पहले वृद्ध तो नहीं था, तब भी तू तो था ना, कि हाँ। तो इससे सिद्ध होता है न तो मैं बालक हूं, न मैं वृद्ध हूं, न मैं जवान हूं, इन सभी अवस्थाओं में रहने वाला जो एक पदार्थ है वो मैं हूं। तो फिर कौन है ये साहब? संजीव गोदा मैं हूं। बचपन में भी मेरा यही नाम था, जवानी में भी यही नाम है, बुढ़ापे में भी मेरा यही नाम है। कि सुन भैया, जब तू 2-4 महीने का हुआ था तब तेरा नाम रखा था, तू तो उसके पहले भी था। कि नहीं नहीं साहब, जन्म के पहले ही रख दिया था क्या? जैसे हमने हमारे बच्चे का नाम जन्म के पहले ही निश्चित कर दिया था कि उसका नाम आर्यम होगा। क्या लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, और लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे, पहले से ही डिक्लेयर था, हमारे दिमाग में सेट था कि ये नाम रखना है उसका, तो पहले से ही रख दिया था ना नाम, फिर तो दिक्कत नहीं है। कि सुन भाई, पहले से भी कब गर्भ में 9 महीने पहले आ गया था, कब रखा गया नाम? इसका मतलब जिसका नाम दिखाई दे रहा है यह भी मैं नहीं हूं, मैं इस नाम से भी भिन्न कोई एक तत्व हूं। एक जाननहार तत्व, एक जानने वाला तत्व, एक जानने देखने की शक्ति वाला, जानने देखने की सामर्थ्य वाला, समझ रहे हैं आप? मैं कौन हूं? गहराई से विचार करना, मैं बिजनेसमैन हूं। जब बिजनेस नहीं करता था तब भी तो मैं था, बिजनेस छोड़ दूंगा तब भी तो मैं रहूंगा, तो मैं बिजनेसमैन कैसे हो सकता हूं? मैं सर्विस वाला कैसे हो सकता हूं? एक एक चीज के बारे में ऐसा भेद विज्ञान करो, ऐसा तर्क से सोचो, युक्ति से सोचो, न्याय से सोचो, तो आप महसूस करेंगे अरे यार, ये जिन अवस्थाओं को मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं, ये अवस्थाएं मेरी नहीं है, ये स्वरूप मेरा नहीं है। एतानी पुद्गले, ये सब तो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है। बालक, वृद्ध और युवा अवस्था ये शरीर की अवस्थाएं हैं। बीमारियां ये शरीर की थी, मृत्यु शरीर के वियोग का नाम, ये अवस्था भी जो थी ये शरीर की अवस्था थी, और मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं चेतन हूं, इसलिए मैं भिन्न हूं और शरीर की ये सब अवस्थाएं भिन्न है। तो ज्ञानी इस तरह से अपना चिंतन बदलता है तो शरीर से होने वाली तकलीफ उसे तकलीफ दिखाई नहीं देती, और अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता हुआ वो तकलीफ से भिन्न ऊपर उठकर आत्म तत्व का अनुभव किया करता है। हम भी यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व का, अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करके ही सुखी हो सकते हैं। हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करके सुखी हों, इसी भावना से बात को यहीं